दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूंग और मसूर की दाल मिलाकर खाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। दोस्तों यूं तो सभी दालें सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, मगर कुछ दालों को आप हर मौसम में नहीं खा सकते हैं। जैसे उड़द की दाल में बादीपन होता है, तो इसे बारिश में कम खाना चाहिए। मूंग और मसूर की दाल को मिक्स करके आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं। इन दालों से पाचन तंत्र संबंधी कोई समस्या नहीं होगी और ढेर सारे लाभ मिलेंगे। आमतौर पर गर्मियों में आपको ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाने की सलाह दी जाती हैं और सर्दियों में गर्म तासीर वाली चीज़ें खाने की। मूंग की दाल की तासीर ठंडी होती हैं, जबकि मसूर की दाल की तासीर गर्म होती हैं। इसलिए इन दोनों दालों को मिलाकर आप किसी भी मौसम में इस दाल को खा सकते हैं। बरसात के मौसम में अक्सर सुपाच्य चीज़ें खाने की सलाह दी जाती हैं, क्योंकि इस मौसम में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और पाचन खराब होने पर पेट संबंधी कई समस्याएं होने लगती हैं। इस दौरान उल्टी, दस्त, पेट दर्द, कब्ज, बदहजमी, पेट फूलने जैसी समस्या होती हैं। इस तरह की समस्याओं में आयुर्वेदिक चिकित्सक मूंग और मसूर की दाल को मिक्स करके खाने की सलाह देते हैं। ये सुपाच्य होती हैं, इसलिए पेट को आराम पहुंचाती हैं। अगर आप सप्ताह में 3 दिन भी मूंग और मसूर की दाल को मिक्स करके खाते हैं, तो इससे शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डायबिटीज का खतरा कम होता है और हार्ट की बीमारियां दूर रहती हैं। इसका कारण यह है कि ये दालें लो फैट का अच्छा स्रोत होती हैं। इनमें मौजूद मिनरल्स जैसे आयरन और जिंक खून की मात्रा बढ़ाते हैं, साथ ही मांसपेशियों को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए इनके सेवन से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिससे दिल की बीमारियां दूर रहती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।